दुनिया के सबसे खतरनाक सांप। और आज हम जाने वाले हैं एक ऐसे दुनिया में जहां खतरा हर जगह छुपा है। सांपों की दुनिया होते हैं और ज्यादातर ह्यूमन से दूर रहना ही पसंद करते हैं। तो दोस्तों, अगर कभी ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट्स में जाने का मौका मिले तो इनलैंड टाइपैन से बच के रहना। अब बात करते हैं एक ऐसे सांप की जिसका नाम ही डर का दूसरा नाम है, द किंग कोबरा। एशिया के जंगलों में पाया जाने वाला यह सांप अपनी साइज और अग्रेसिव नेचर के लिए जाना जाता है। किंग कोबरा दुनिया का सबसे लंबा वेनमस स्नेक है जो 18 फीट तक लंबा हो सकता है। ये अपने हुड को स्प्रेड करके और हिसिंग साउंड निकालकर अपने एनिमीज को डराने के लिए जाना जाता है। किंग कोबरा का जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है जो डायरेक्टली नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है। इसके काटने से पैरालिसिस, रेस्पिरेटरी फेलियर और इवेंचुअली डेथ भी हो सकती है। तो दोस्तों, अगर कभी जंगल में किंग कोबरा से सामना हो जाए तो चुपचाप पीछे हट जाना ही बेहतर है। चैप्टर 3, काली मौत, ब्लैक मांबा। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे सांप की जिसको किस ऑफ डेथ भी कहा जाता है, द ब्लैक मांबा। अफ्रीका के सेवानास में पाया जाने वाला यह सांप अपनी स्पीड और डेडली वेनम के लिए जाना जाता है। ब्लैक मांबा दुनिया के सबसे फास्ट मूविंग स्नेक्स में से एक है जो 12 mph की स्पीड से भाग सकता है। इसके माउथ के अंदर का पार्ट ब्लैक होता है जिसकी वजह से इसका नाम ब्लैक मांबा पड़ा। ब्लैक मांबा का जहर न्यूरोटॉक्सिक और कार्डियोटॉक्सिक होता है जो नर्वस सिस्टम और हार्ट दोनों पर अटैक करता है। इसके काटने के बाद विक्टिम को 20 मिनट्स के अंदर एंटी वेनम नहीं मिला तो उसकी डेथ श्योर है। इनके काटने के सिम्टम्स में डिजीनेस, नौजिया, पैरालिसिस और रेस्पिरेटरी फेलियर शामिल है। चैप्टर 4, छुपा रुस्तम, रसल्स वाइपर। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे सांप की जो इंडिया में सबसे ज्यादा स्नेक बाइट डेथ्स के लिए जिम्मेदार है, द रसल्स वाइपर। ये सांप इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया और चाइना में पाया जाता है और अपने डिस्टिंक्टिव मार्किंग्स और डेडली वेनम के लिए जाना जाता है। रसल्स वाइपर का जहर हीमोटॉक्सिक होता है जो ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म को डिसरप्ट कर देता है। इसके काटने से इंटरनल ब्लीडिंग, ऑर्गन डैमेज और डेथ भी हो सकती है। रसल्स वाइपर्स नॉक्टर्नल क्रीचर्स होते हैं और ज्यादातर रोडेंट्स, बर्ड्स और अदर स्नेक्स को खाते हैं। इनके काटने के केसेस इंडिया में बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि ये स्नेक्स ऑफ्टन एग्रीकल्चरल एरियाज में पाए जाते हैं। रसल्स वाइपर के काटने का एंटीवेनम अवेलेबल है लेकिन टाइम पर ट्रीटमेंट न मिलने पर यह जानलेवा साबित हो सकता है। तो दोस्तों, अगर कभी आपको रसल्स वाइपर दिखाई दे तो प्लीज दूर ही रहें। चैप्टर 5, अग्रेसिव और खतरनाक, फर्डिलांस। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे सांप की जो अपने अग्रेसिव नेचर और पोटेंट वेनम के लिए जाना जाता है, द फर्डिलांस। ये सांप सेंट्रल और साउथ अमेरिका में पाया जाता है और इसके काटने के बाद विक्टिम को इंटेंस पेन और टिश्यू डैमेज का सामना करना पड़ता है। फर्डिलांस का जहर हेमोटॉक्सिक होता है जो ब्लड क्लॉटिंग को डिसरप्ट करता है और सेवियर ब्लीडिंग का कारण बनता है। इसके काटने के बाद विक्टिम को स्वेलिंग, ब्रूजिंग, निक्रोसिस और ऑर्गन फेलियर का सामना करना पड़ सकता है। ये स्नेक्स ह्यूमन से नहीं डरते और अगर उन्हें खतरा महसूस होता है तो बिना सोचे सामने अटैक कर देते हैं। फर्डिलांस के काटने का एंटीवेनम अवेलेबल है लेकिन टाइम पर ट्रीटमेंट न मिलने पर यह जानलेवा साबित हो सकता है। तो दोस्तों, अगर कभी आप सेंट्रल और साउथ अमेरिका में जाने का प्लान कर रहे हैं तो फर्डिलांस से बच के रहना। उतरो सांपों से सावधान। दोस्तों, ये थे दुनिया के 5 सबसे खतरनाक सांप। इनलैंड टाइपैन अपने पोटेंट वेनम के लिए, किंग कोबरा अपनी साइज और अग्रेशन के लिए, ब्लैक मांबा अपनी स्पीड और डेडली वेनम के लिए, रसल्स वाइपर अपने वाइड स्प्रेड प्रेजेंस और वेनम के लिए और फर्डिलांस अपने एग्रेसिव नेचर और पोटेंट वेनम के लिए जाने जाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको इन खतरनाक क्रीचर्स के बारे में ज्यादा जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक करें और हमें बताएं कौन सा सांप आपको सबसे ज्यादा खतरनाक लगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी नई वीडियो मिस ना करें। धन्यवाद।